ठीक है क्लास, फिर गूगल पे आवाज आ रही है ना सबको? हाँ यस सर, आ रही है आवाज। चलें, डन है। तो हम गूगल पे सीख रहे हैं कि गूगल फॉर्म कैसे बनेगा। ठीक है, साथ साथ मुझे चैट में बताते गए, माइक पे बताते गए। ये आपने सबसे पहले ओपन कर लिया गूगल। ठीक है, ये राइट हैंड पे ऑप्शन दिख रहा है आपको? बोले आदिल साहब, आप माइक पे थे ना? कोई ना कोई बच्चा माइक पे आ जाए। माइक पे यस कौन है इस वक्त? ठीक है, इस राइट हैंड पे जहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई, तो इसके साथ क्लिक करें, आपको वो गूगल की बाकी ऐप दिख जाएंगी, पता होगा आपको। ठीक है, जी सर। ये मैंने गूगल ड्राइव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, आपका बस जीमेल पे आईडी होना जरूरी है। ठीक है, सर ये क्या लिखा हुआ है? न्यू 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 पे क्लिक कर दें। अच्छा, इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? गूगल डॉक्स, गूगल गूगल डॉक्स शीट, गूगल स्लाइड्स मोड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? गूगल जी, फॉर्म्स, क्वेश्चन है बनाने के लिए आपको किस पे क्लिक करना पड़ेगा? गूगल फॉर्म्स जी, क्लिक कर दूं? कर जी सर। दिया। ये फरमाइश किसकी थी वैसे? मेरी मेरी कौन? दुआ। जी दो जी। अब आप अपना यहाँ पे टाइटल लिख दें, जो भी लिख दें, दुआ लिख दें या दुआ रेस्टोरेंट लिख देते हैं। ठीक है, जी नहीं, दुआ रेस्टोरेंट ने आगे पूछना है कस्टमर फीडबैक। माने कि एक रेस्टोरेंट वाले वो रिसर्च करना चाह रहे हैं और कस्टमर से फीडबैक लेना चाह रहे हैं। तो जब भी कोई कस्टमर आता है, वो से ईमेल आईडी ले लेते हैं, वो चाह रहे हैं कि हम अपना क्वेश्चन है उसको फॉरवर्ड कर दें, हमें फीडबैक देकर वापस भेज दें। डन हो गया, आगे चलें। ठीक सर। है, अच्छा, दुआ अभी भी दिख रहा है सब कुछ आपको? जी सर। ये लेफ्ट पे क्या लिखा टॉप पर? कर्सर मेरा कहाँ पे है? तो क्वेश्चंस, ये क्या लिखा हुआ है? रेस्पॉन्सेस, अभी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ चीजें, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। थीम चेंज करना है, क्वेश्चन का प्रीव्यू सेटिंग, फिलहाल इसकी नीड नहीं है। फिलहाल हमने इन चीजों को देखना है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बस एट क्वेश्चन जी, दो आप अभी बोले क्या दिया हुआ है? ठीक एड क्वेश्चन, है, अब ये सीखना है हमने। ये क्या लिखा हुआ है? इम्पोर्ट क्वेश्चंस। इम्पोर्ट क्वेश्चन का मतलब ये है, माने कि मैंने पहले से तीन क्वेश्चन बनाए हुए ए बी सी, और मैं चाहता हूँ उनके क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यूज हो जाएं, तो मुझे दोबारा से टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से आके इम्पोर्ट करवा सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई? ये क्या यस सर। लिखा हुआ है? एड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी आप डिटेल में बता दें कि मैं फला एमबीए के स्टूडेंट हूँ, एमबीए के स्टूडेंट हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं जाएगी नहीं, ये वो सारी स्टोरी आप यहाँ पे दे सकते हैं। डन हो गया। यस सर। ये क्या है? एड एड इमेजेस इसलिए डालना होता है, कंज्यूमर बिहेवियर में भाई बहुत ऐसी चीज होती है जिसमें इमेज दिखा के हमें कमेंट्स लेने होते हैं, रिव्यूज लेने होते हैं, तो अगर आप कोई इमेज भी ऐड करना चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जी सर। ये क्या है? ठीक एड वीडियो। है, ये जैसे इमेज ऐड हो सकती है ऐसे वीडियो भी ऐड हो सकती है। ये क्या है? एड सेक्शन। सेक्शन की लॉजिक समझ लें, माने आपके पास 10 सवाल है, वो एक पेज पे आ गए, आप चाहते नहीं शुरू के 4 सवाल डेमोग्राफिक के वो अलग पेज पे आए, फिर सामने वाला नेक्स्ट करे तो फिर मेन क्वेश्चंस पे आए। आपने ऐसे क्वेश्चंस में देखा होगा, समझ गए? तो जी सर, समझ गए। आप चाहते हैं डेमोग्राफिक का अलग पेज हो, साइकोग्राफिक का अलग पेज हो, बिहेवियर का अलग पेज हो, तो आप जितने भी सेक्शन बनाना चाहें इसके थ्रू बना सकते हैं। स्टार्ट करें। जी सर। सबसे पहला ऐड क्वेश्चन क्लिक करूं? करना कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन, ये राइट हैंड पे देखें क्या लिखा हुआ है। मल्टीपल चॉइस। जी, इसमें आप चूज करें आपने क्या करना है, शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ आंसर। एक काम करते हैं, मैं फिलहाल मल्टीपल चॉइस पे रखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में डाल देता हूँ जेंडर। हेलो। आवाज आ रही है आपको? मैंने यस सर, आ रही है पहला क्वेश्चन क्या लिख दिया? जेंडर। जेंडर।
ऑप्शन वन पर लिख देता हूँ मेल, ऑप्शन टू पर लिख देता हूँ. अच्छा अभी एडवांस हो चुका है तो जैसे आप देखते हो खुद ही दे देगा ये. ठीक है फीमेल, प्रेफर नॉट टू से, मर्जी आपकी, एड ऑल, सारा कुछ हो सकता है. ठीक है डन हो गया. जी सर. दुआ बीबी आवाज आ रही है आपको? दुआ बीबी चली गई, पता करें भाई पार्टिसिपेंट में जाके देखें वो हैं या जा चुके हैं. सर आ गई. चलें ये मेल फीमेल वाली लॉजिक समझ में आ गई? नहीं सर मैं चली गई थी. चलें बंद कर देता हूँ. इस प्लस को दबा रहा हूं मैं. ठीक है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. जी पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जेंडर, रिपीट करें क्या लिखा मैंने. आपकी आवाज कम आ रही है. अच्छा इनका नेट डाउन है, कोई और बच्चा है जिसको गूगल फॉर्म बनाना. चले ठीक है मैं इसलिए आपको लेके चल रहा हूँ क्योंकि आपको नहीं आता. जिसको नहीं आता ना उससे बार बार बुलवाएं, अगर उसको समझ में आ गया तो समझे सबको समझ में आ गया, बाकी सबको बनाना आता है इसलिए चलें. पहला ऑप्शन क्या दूंगा यहाँ पे जल्दी बताएं. मेल या फीमेल? मेल दे दिया. अच्छा दूसरा यहाँ पे आप फीमेल लिख सकते लेकिन इसने प्रेडिक्ट कर दिया तो यहाँ से भी क्लिक करें तब भी फीमेल आ जाएगा. डन हो गया. एक काम करें आपका नेट बहुत खराब है, कोई और बच्चा माइक पे आ जाए भाई. यस सर. कौन है नाम बताएं? तनवीर. तनवीर ठीक है. तनवीर साहब ये जो ये क्या लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड. इसका मतलब ये, इससे मैंने बंद कर दिया. इसका मतलब है ये क्वेश्चन फिल किए बिना भी वो सबमिट करवा सकेगा, लेकिन मैं रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो इस क्वेश्चन को फिल किए बिना वो नहीं फिल कर सकता. ये बात समझ में आ गई? जी सर. यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर. ठीक है तो रिक्वायर्ड रखना है नहीं रखना? रखना है सर. रखना है, परफेक्ट हो गया. ये क्या है डिलीट, ये क्या है डुप्लीकेट. डुप्लीकेट इन सब का फायदा भी हमें होगा, बताता हूँ क्या फायदा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है मैं पूछता हूँ मैरिटल स्टेटस. ठीक है पहला ऑप्शन क्या दूं? सिंगल. अनमैरिड दे देता हूँ, सिंगल दे देते हैं. दूसरा मैरिड. चले दो ही रहने दूं? जी सर दो ही रहने दे. ठीक है रिक्वायर्ड रखना नहीं रखना? यस सर रखना है. चले तीसरे क्वेश्चन पे आऊं? यस सर. अच्छा थर्ड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन पूछ लूं कोई भी. माने लाइकर का कोई क्वेश्चन है. ठीक है जी सर. सही है. अब ये देखें क्योंकि मैं ये काम करता है तो मुझे इसने पांचों ऑप्शन दे दिए, मैंने ऐड ऑल कर दिया, मुझे एक एक करके लिखने की जरूरत नहीं है. ये बात समझ में आई आपको? जी सर. बात समझ में आ रही है, आपको लिखना पड़ेगा एक एक करके. जी जी सर समझ गया. मेरा उसने प्रेडिक्ट कर दिया. अच्छा सर ये क्वेश्चन आपने उसने आपको डिस्कस किया क्योंकि मैं काम अब आप लिख लीजिएगा, मैं लिख के दिखाऊंगा एक एक करके. सर समझ गया सर, पहले दो क्वेश्चन से समझ में आ गया. अच्छा अब मेरा अगला सवाल भी सेम स्केल पे है तो मैं इसका डुप्लीकेट बना दूं? यस सर. सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी. जी मैंने डुप्लीकेट बना दिया और करंट जॉब की जगह क्या लिख दूं? करंट बॉस. सर सर्वे सर सर्वे रेस्टोरेंट का है तो रेस्टोरेंट के मुताबिक सवाल. हां जी सर मैं भी ये कंफ्यूज हो रही हूं कि रेस्टोरेंट में आप क्या लिख रहे हैं. वो तो मैंने आपका मजाक उड़ा रहा था तो मैंने दोबारा रेस्टोरेंट बना दिया. छोड़े आप, मैं एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन लिख देता हूँ ना. देखिए पर्पस तो आपको गूगल डॉक समझाना है ना. अब मैं आपसे पूछूं कि फूड से कितना, टेस्ट से कितना, हाइजीन से कितना, फूड की प्राइस से कितना, सिटिंग एरिया. बात समझ रहे हैं? यस सर. ये क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे. मैं आपसे सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लूंगा, प्राइस पूछ लूंगा, वैरायटी पूछ लूंगा, टेस्ट पूछ लूंगा, हाइजीन पूछ लूंगा. समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन बन जाएंगे. जी सर. पर्पस तो फिलहाल गूगल डॉक समझना है ना, बनता कैसे. यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर. यस सर. अच्छा इस वक्त माइक पे कौन है?
सर दोनों है, तनवीर और दुआ। अच्छा अब इसमें लॉजिक समझिएगा, यहाँ पे मैंने सेक्शन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अब ये देखें, एक मिनट में कंट्रोल दी दबा दूं, सेक्शन मुझे क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे मैं सेक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सेक्शन क्रिएट करने का फायदा क्या है, आप चाहते हैं कि जो बंदा मैरिड है ना जी सर, वो कुछ सवालों के जवाब दे और जो सिंगल है वो सवालों के जवाब स्किप कर दे, स्किप कर दे। अब ये देखिए मैंने इसको एडिट किया, ये राइट हैंड पे तीन एरो दिख रहे हैं आपको, यस सर, तीन एरो कह रहा हूँ सॉरी, ट्रिपल डॉट्स दिख रहे हैं आपको, डॉट्स जी सर, क्लिक करूं, करें सर। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, गो टू सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, ठीक है। दिस शफल ऑप्शन वगैरह क्विज वगैरह के लिए होते हैं, जब हमें क्विज कंडक्ट करना होता है तो हम चाहते हैं हर बच्चे के पास क्वेश्चन शफल हो के आए, वो सीखना अच्छा आपके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि आपने क्विज कंडक्ट नहीं करना, ठीक है। तो क्विज भी इसी के थ्रू बनते हैं, फिलहाल ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है, लेकिन शफल गो टू सेक्शन वाला क्वेश्चन आपके काम का था कि आप चाहते हैं इस क्वेश्चन के बाद वो फलां सेक्शन में चला जाए तो आप उसको फलां सेक्शन में भेज सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेकंड रुक जाएंगे, क्या कह रहे हैं जी, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में मैंने पूछना आपका फुल नेम जी, ये मल्टीपल चॉइस रहने दूं? नहीं सर, डिस्क्रिप्टिव होगा, शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब मैं फॉर्म बनाता जाता हूँ तो देखें ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट करते हैं, खुद ही शॉर्ट आंसर का आंसर दे दिया है। अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं, यस सर, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि रिलीजन पूछ लूं और मैं ऐसे ऑप्शन नहीं देना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ शॉर्ट आंसर, चाहूं तो मैं ऑप्शन में मल्टीपल चॉइस दे सकता हूँ, राइट? यस सर, इसमें तो मल्टीपल चॉइस भी दे सकते हैं और थर्ड चॉइस पे अदर लिख के जिस तरह आप रखना चाहें, ठीक है। ये बंद कैसे होगा, मुस्लिम नॉन मुस्लिम ना, मुस्लिम नॉन, बस आपको ऑप्शन पता होना चाहिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई, मैंने शॉर्ट आंसर दे दिए। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसमें खेल सकते हैं, ड्रॉप डाउन देना है, लीनियर स्केल देना है, जो भी आपने देना है, ये बात समझ में आ गई? यस सर। जब आपने पूरा बना लिया, ये क्या लिखा हुआ है, रिव्यू, क्लिक कर दिया। ये आपको ऐसा क्वेश्चन, ये जिसके आगे स्टार बना हुआ ना स्टेरिक, मतलब इसको फिल किए बिना वो सबमिट नहीं कर सकता, यहाँ तक बात समझ में आ गई जी सर। अब ये दुआ भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है जी, और ये सब करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा, यहाँ तक लॉजिक क्लियर हो गई? यस सर। अब मैं आपको अपने कुछ कंट्री दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए डेटा आता किस तरह से, जो मैंने आपकी क्लास से फिल करवाया था, IOBM डेटाबेस के नाम से बनवाया था ना मैंने, ये सर CBM स्टूडेंट्स डेटाबेस, इसको तो डिलीट करूँ ना मैं, ये जो अभी मैंने बनाया उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और Evaluation suggestion form, ये है ना IBM database, यही है ना? Yes sir. जी अभी ये देखें, गलत हो गया, ये sheet आ गई, IBM student database था शायद। Yes sir, खोल के देख लेता, फिर मैं देख लेता हूँ, नहीं वो आपका दूसरा था, student database अलग गया, इससे तो pictures मांगी होती मैंने, college database IBM, ये मुझे आपसे भी फिल करवाना, करवा दूंगा मैं जी, ये मैं आपके ग्रुप पे शेयर करूंगा अभी जी। पहला क्वेश्चन क्या है, कोर्स एंड टीचर एवैल्यूएशन, ना ना वो क्वेश्चन थोड़ी, अच्छा ईमेल एड्रेस, सॉरी ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद आप मुझे क्या बताएंगे, नेम, ठीक है। उसके बाद आप मुझे क्या बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम, किस यूनिवर्सिटी में आपने मुझसे पढ़ा है, उसके बाद किस ईयर में पढ़ा है, आप लोग 2020 में चेक लगा देंगे, उसके बाद आप किस पे चेक लगाएंगे, सेमेस्टर, समझते, फिर अपना कोर्स नेम डालेंगे, फोन नंबर डालेंगे, ये अच्छा ये ब्रैकेट में ऑप्शनल क्यों लिखा हुआ है, क्या मतलब है, जो नहीं देना चाहे वो नहीं दे, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, आगे देखें स्टैटिक भी नहीं बना हुआ, ठीक है। ये ऑप्शनल मैंने खुद लिखा है क्योंकि मुझे तो बहुत सारे बच्चों को स्टैटिक का मतलब नहीं पता होगा, ये जो स्टैटिक है जब तक आप इसको फिल नहीं करेंगे ना आप आंसर नहीं दे, बात समझ रहे हैं, जब तक yes, स्टैटिक जब तक आप इसको आंसर नहीं देंगे आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके पास स्टैटिक नहीं है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। आगे देखें यहाँ पे आपने क्या लिखना है, मैंने सब में डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, यहाँ पे आप कंपनी नेम अपनी डेजिग्नेशन बताएं, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो इसमें कुछ डॉट सर डाल दीजिएगा,
जी, इससे भी स्टेट लगा हुआ है। हाँ लेकिन आप डॉट डाल देंगे, आप कह देंगे फुल टाइम स्टूडेंट, वर्किंग नहीं हूँ, कुछ भी लिख दे, एक वर्ड लिख दे, सबमिट हो जाएगा। जी सर, ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो ये सारे क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर देंगे, उसके बाद फिर सबमिट हो जाएगा, ठीक है? अब इसमें मेन चीज क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? Responses 55. हाँ, ये मैंने लास्ट सेमेस्टर में बच्चों से फिल करवाया था ना, तो इसमें मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे पास सारी की सारी शीट आ जाएगी रिस्पॉन्सेज की। मजे की बात जानते क्या है, ये सारे ग्राफ भी बना देता है, ठीक है? खुद ब खुद सारे ग्राफ भी बना देगा, हिस्टोग्राम, सारा कुछ देखें, सब बच्चों के नंबर, जिन जिन बच्चों ने पिक्चर्स भेजी उनकी पिक्चर्स, ये सारा रिकॉर्ड। और आप चाहते वन बाय वन देखना तो आप वन बाय वन भी देख सकते हैं, कैसे? ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है, इंडिविजुअल्स पे क्लिक कर दें। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा तो मुझे इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर बच्चे का नाम दिख रहा है, किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ कि बच्चे ने क्या फॉर्म फिल किया है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। अगला लेवल क्या है, आप इसको एक्सपोर्ट कर लें, डाउनलोड एक्सेल की फाइल में आपके पास आ जाएगा, ठीक है सर? ठीक है, तो सारे रिस्पॉन्सेज आपको एक्सेल में आ गए, फिर आप इसको एसपीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई? यस सर। एक छोटी सी मिस्टेक है, वो समझ लें, जब मैं फॉर्म बना रहा था, फॉर्म में जब आप प्रीव्यू करवा लेंगे ना, ये इसका लिंक शेयर करेगा, जो आप क्वेश्चन बनाए थे उसका लिंक शेयर मत करेगा। ये बात समझ में आ गई? वरना लोग क्वेश्चन एडिट कर देंगे। मतलब आप जब प्रीव्यू करवाएं तो इसका लिंक आपने शेयर करना है बाकियों के साथ। ये बात समझ में आ गई आपको? यस सर। दुआ बीबी, ये लॉजिक समझ में आ गया आपको? ठीक है जी। इसमें कोई और क्वेश्चन है, इसको बंद करूं? बंद कर देता, समझ गए? समझ गए सर। चलिए मैं इसको फिर बंद कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने बंद कर दी, 18 मिनट की हो गई थी, काफी उतनी, ये हो गया बंद। और आपने वैसे गूगल की कौन कौन सी ऐप यूज की हुई है इसमें से? सारी कहते हैं डॉक्स, गूगल डॉक्स यूज की हुई है, गूगल शीट्स यूज की हुई है। चलिए, बहुत अच्छे से फंक्शन तो यूज किया करें, बड़े काम की चीजें हैं। जी सर, मेरे पास एमएस ऑफिस करप्ट हो गया था, मेरे पास कोई चारा नहीं था तो मैंने ये यूज किया था, काफी काम आया था। इसके अलावा भी मतलब इसकी कभी गूगल कीप यूज किया आपने? नहीं सर। चलें फिर आप